भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो अहमदाबाद द्वारा दो दिवसीय गुरुकुल स्कूल धामनोद में अंतरिक्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। गुरुकुल स्कूल के शिक्षक श्री संजय जोशी ने बताया कि भारत विकास परिषद धामनोद के सहयोग से होने वाली प्रदर्शनी निरीक्षक का समय दोनों दिन प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक निःशुल्क रहेगा। प्रदर्शनी में धार जिले के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के सभी विद्यार्थी, शिक्षक, पालनगढ़ तथा नागरिक भी सादर आमंत्रित थे। इस अवसर पर इसरो से आए वैज्ञानिक जो कि धामनोद से ही हैं, श्री रवि कुमार वर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित जिज्ञासाओं को शांत करने तथा हमारे दैनिक जीवन में अंतरिक्ष विज्ञान का महत्व बताने के उद्देश्य से निर्माण में स्कूल स्तर पर पहली बार ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी में इसरो के कई अंतरिक्ष मॉडल जैसे रॉकेट, चंद्रयान, मंगलयान, आर्यभट्ट, PSLV, GSLV आदि यहाँ आपके लिए रहेंगे। खास उद्देश्य इसका यही है कि लोगों को, निमाड़ रीजन के लोगों को साइंस के बारे में पता चले, इसरो ने क्या क्या हासिल किया है उनकी गतिविधियों के बारे में पता चले, और इसके कारण हमारे निमाड़ रीजन के लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें पहली बार हमें इतने सारे मॉडल्स देखने को मिले कि इसरो ने कितनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, और हमें सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रखा है इसरो ने रखा है, तो अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि प्राउड हो रहा हूँ। इसरो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है क्योंकि हमारे सब बच्चों को कुछ पता भी नहीं था इसरो के बारे में, और हम यहाँ पर जान रहे बता रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इसरो की जानकारी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत सारी तरक्की कर ली है। पहले कहीं साइकिल पर लेके जाते थे, अब रॉकेट्स आ गए हैं, PSLV आ गया है, GSLV आ गया है। आपको क्या क्या सीखने को मिला अभी तक यहाँ? यहाँ पर मैंने GSLV सीखा, PSLV सीखा, Mark 3 के बारे में सीखा, इसरो के बारे में बहुत सारी नई नई जानकारी पाई है मैंने, और सैटेलाइट्स भी पता चला है, चंद्रयान, मंगलयान। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य भारतीय जनता में या धार डिस्ट्रिक्ट के बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में नॉलेज को कल्टिवेट करना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। मेरी आज डायरेक्टर और आज कलेक्टर धार ने इस इनॉग्रेशन को गुरुकुल स्कूल के प्रांगण में और भारत विकास परिषद के सहयोग से 4 और 5 अप्रैल को एग्जीबिशन धामनोद शहर में होने जा रही है, और मैं आपके समाचार माध्यम से ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करिए ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए, इस अंतरिक्ष प्रदर्शनी का बेनिफिट उठा पाए। धार जिले के धामनोद में इसरो के सहायता से एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई है, और स्पेस रिसर्च में हिंदुस्तान के द्वारा जो भी खोज किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उनके बारे में स्कूल के बच्चों को बताया जा रहा है। निश्चित रूप से इसरो के द्वारा लगाई गई इस वैज्ञानिक प्रदर्शनी से बच्चों को बहुत ही लाभ मिलेगा, उनको ज्ञान प्राप्त होगा, और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया में जो भी काम हुआ है उसके बारे में उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। सर, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, आपके कार्यकाल में आपको कैसा लग रहा है? धामनोद एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप हो रहा है, और यहाँ के जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो बच्चों के एजुकेशन में, उनके डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसी कारण हमने इसरो को रिक्वेस्ट किया था कि वो धामनोद में इस तरह की स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पे एक प्रदर्शनी लगाएं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि धामनोद में शिक्षा को लेके जो अच्छा काम हो रहा है वो और भी बेहतर हो। सर, जिला प्रशासन ने ऐसे कुछ प्रयास किए कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उसको अधिक से अधिक लाभ मिले? हमने निश्चित रूप से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को ये कहा है कि जो भी बच्चे यहाँ पर आके इस प्रदर्शनी को देख सकें उनको दिखाया जाए।